ज्योति रंधावा से तलाक लेते ही बॉलीवुड में छा गई थी ये एक ड्रेस। मेरठ से है खास कनेक्शन। बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह को हिंदी सिनेमा में उनकी बेहतरीन अदायगी के लिए जाना जाता है। आइटम सॉन्ग आओ राजा के बाद वे बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में शुमार होगी। वह सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। कई बार चित्रांगदा अपने हॉट फोटोशूट के लिए भी सुर्खियों में रह चुकी हैं। मशहूर गोल्फर ज्योति सिंह रंधावा को बहराइच के कतरनिया घाट संरक्षित वन क्षेत्र में शिकार करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। वन विभाग की टीम ने केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। गोल्फर ज्योति रंधावा की पत्नी रह चुकी चित्रांगदा सिंह आज बॉलीवुड का जाना पहचाना नाम है, लेकिन ये कामयाबी उन्होंने ज्योति रंधावा से तलाक लेने के बाद हासिल की। चित्रांगदा सिंह का जन्म राजस्थान के जोधपुर में हुआ है। उनके पिता निरंजन सिंह आर्मी में अफसर थे। वह एक पारंगत कथक नृत्यांगना भी हैं। जैसे ही पढ़ाई पूरी हुई तो चित्रांगदा ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और कई ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग की। इसके बाद उन्हें एक सॉन्ग वीडियो के लिए चुना गया। गुलजार के सनसेट नाम के इस वीडियो सॉन्ग पर जब बॉलीवुड निर्देशक सुबीर कुमार का ध्यान चित्रांगदा पर गया तो उन्होंने उन्हें एक फिल्म के लिए साइन कर लिया। चित्रांगदा ने साल 2003 में अपनी पहली फिल्म हजारों ख्वाहिशें ऐसी से बॉलीवुड डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनके अभिनय को काफी सराहा गया। इसके बाद वह साल 2005 में फिल्म काल में नजर आईं। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई थी। उनके बड़े भाई एक गोल्फर हैं जिनका नाम दिग्विजय सिंह है। यही नहीं, चित्रांगदा सिंह ने शादी भी एक गोल्फर से ही की है। जी हाँ, चित्रांगदा सिंह की शादी ज्योति रंधावा से हुई है जो गोल्फ के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। साल 2001 में यह कपल शादी के बंधन में बंधा था। चित्रांगदा सिंह की शादी हालांकि ज्यादा दिन नहीं चली और किन्हीं कारणों से इनका साल 2013 में मनमुटाव शुरू हो गया। साल 2014 में दोनों ने तलाक ले लिया। दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम है जोरावर रंधावा। जोरावर अपनी माँ यानी चित्रांगदा के साथ ही रहते हैं। आप शायद यह नहीं जानते होंगे कि एक ट्रेस चित्रांगदा सिंह ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मेरठ से पूरी की है। जी हाँ, आर्मी में होने के कारण उनके पिता की पोस्टिंग होती रहती थी। वह जब छोटी थी तो उनके पिता यूपी के मेरठ में तैनात थे। यहाँ सोफिया गर्ल्स स्कूल से चित्रांगदा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से होम साइंस से स्नातक किया। लंबे समय चित्रांगदा सिंह ने सुधीर मिश्रा निर्देशित फिल्म ये साली जिंदगी में अभिनय किया। इस फिल्म के बाद वे देशी बॉयज में नजर आई। ज्योति रंधावा से मनमुटाव के बाद साल 2013 में वे फिर बड़े पर्दे पर जॉन अब्राहम संग आए मीटर और मैं फिल्म में नजर आईं। इसके बाद चित्रांगदा ने साल 2015 में फिल्म गबर इज बैक के आइटम सॉन्ग आओ राजा से बॉलीवुड में अपनी एक खास जगह बनाई।